मास्क नहीं है, लॉकडाउन में पैसा खत्म हो गया, आज मजदूरी कर रहे हैं अब यहाँ पे। तो 10 रुपए का मास्क तो खरीद सकते हो, अगर सुनो मेरी बात, सुनो अगर, सुनो अगर संक्रमित हो जाओगे, मर जाओगे तो फिर कैसे होगा? तो मजदूरी करके खा रहे हैं, पैसा मिलेगा मास्क दे रहे हैं उनकी जिंदगी का? नहीं वो तो मैं समझ रही थी, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम सवाल 10 रुपए आप कर रहे हैं कि मुझे, मुझसे 10 रुपए आप ले लो। आज ये बच्चा कहाँ से चल के आ रहा है? कह रहा है मेरे पास नौकरी नहीं है, आज मैं नौकरी कर रहा हूँ। आपका मास्क है भैया? क्या मास्क कहाँ है आपका? मास्क पहनना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। कहाँ फैल रहा है? क्यों नहीं, कल नरेंद्र मोदी ने स्पीच में कहा, नरेंद्र मोदी ने स्पीच में कहा कहीं आप देख रहे हैं संक्रमण फैल रहा है? हम तो छह महीने से बिना मास्क के नहीं, कोई ये तो आपका जिद पर है कि आप 6 महीने से बिना मास्क के घूम रहे हैं और मुंबई में देखे। हमारा तो टाइम वेस्ट हुआ है, 6 महीने का नुकसान हुआ है, सरकार 3 साल पीछे चली गई है। हाँ तो वो तो एक अलग, आज वो 3 साल रिकवर होने में लगे। देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ साक्षी पांडे। कोरोना संक्रमण को लेकर अगर अभी भी हमने बचाव और संजीदा नहीं हुए तो कोरोना की वजह से जो खतरे हैं वो बढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन की जो स्थिति पिछले साल इसी मार्च के महीने में देखने को मिली थी, वो जो स्थिति है वो वापस लौट सकती है। जिस तरह से मुंबई और दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लगातार अपनी गाइडलाइंस के थ्रू लोगों को बचाव के लिए बोला है, लेकिन फिर भी अगर अभी आप बाहर निकलेंगे और देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए बिना घूम रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये आपका और हमारा फर्ज है कि हम इस चीज़ के लिए संदिग्ध। इस वक्त हम गोरखपुर के जिला अस्पताल में मौजूद है और हमारे अगल बगल बहुत सारी भीड़ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। उनसे पूछेंगे आपका मास्क कहाँ पे है, मास्क है आपके पास? नहीं है तो क्यों नहीं खरीदा? आपको पता है अभी कोरोना जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और आप जिला अस्पताल में है, आपको मास्क लगाना चाहिए ना। आपका मास्क कहाँ है अम्मा? मास्क बा कहाँ बा घरे पे तो लगाए के चाहिए ना। हम घर देहात में है ना, ये तो लगा के ना जाते हैं। मास्क लगाएंगे तभी ना, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है अगली बार आइएगा तो लगा के आइएगा। तो देख सकते हैं आपके जिस तरह से, मैं आपको दिखा दूं कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मास्क नहीं लगाया, लेकिन अगर आप अब से बाहर निकल रहे, क्योंकि जिस तरह से जिला प्रशासन ने बताया है कि सतर्कता बरतने की बहुत ही ज़रूरत है। अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे, क्योंकि ये जहाँ की हम बात कर रहे हैं ये हॉस्पिटल है, तो आप सोच सकते हैं कि जब हम पार्कों की बात कर रहे हैं और जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाली एरिया, वहाँ पे सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो कल नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है कि जो अभी भी हम कोरोना से जंग पूरी तरह से नहीं जीत पाए हैं। हम जिला अस्पताल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाया, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह। भैया मास्क कहाँ है आपका, कोरोना चल रहा मास्क कहाँ है? मास्क नहीं लेकर आए। नहीं लेके आए हैं घर पे मास्क? मास्क है पर लेकर नहीं आए। क्यों नहीं लेके आए घर पे रखने के लिए खरीदे हैं? बताइए बताइए रीजन बताइए। अगली बार से अगर आइए तो मास्क लगा के आइए, क्योंकि अब संक्रमण, आप अस्पताल में अंदर डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं है? दादाजी मास्क है आपका, रुमाल लगा लिए हैं, भूल गए घर पे? अगली बार से आएंगे लेके आएंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी मास्क कहा है तुम्हारा मास्क कहाँ है? मास्क नहीं है। कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोरोना अभी हम जीते नहीं है जंग। कहाँ है मास्क? है मास्क घर पे है मास्क? हाँ मास्क घर पे, लेकिन मास्क लाना भूल। तो ये चीज़ें भूलने वाली होती हैं, अगली बार से आओगे लेके आओगे ना। जी, आपका मास्क कहाँ है? अरे तुम लोग यंग हो, मास्क है घर पे है कि नहीं? कितने रुपए का आता है मास्क बताओ? 20 रुपीज का आता है। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? कल नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनी है, उन्होंने क्या बोला कि अभी जिस तरह से मुंबई और दिल्ली में संक्रमण बढ़ रहा है, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जी, लगा। तो देखिए ये जिला अस्पताल के अंदर हम लोग हैं और यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि अभी हम कोरोना से जंग नहीं जीते, जो संक्रमण है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और लॉकडाउन की जो स्थिति है वो दोबारा देखने को मिल सकती है अगर हम इस संजीदा नहीं होंगे कोरोना वायरस को लेकर। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी कोरोना वायरस नहीं गया है तो प्लीज़ मास्क लगाए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। इस वक्त हम गोरखपुर के इंद्राबाल विहार में मौजूद है और आपको मैं दिखा दूँ कि अभी सुबह का ही वक्त है, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े, लेकिन किसी ने भी इसमें से ज़्यादातर मास्क नहीं लगा रखा है। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे सर मास्क कहाँ है आपका? एक्चुअली मैम अभी चाय पी रहा हूँ तो मास्क रखा हूँ। अच्छा कहाँ रखा है, दिखाइए। है मैम है, दिखाइए ना, दिखाइए तो कहाँ है। देखिए ये देखिए साफ साफ झूठ बोल रहे हैं आप, लेकिन अभी आपको पता है, मैं नहीं आप बात करिए कि कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो गाइडलाइंस बोला है कि अभी हम लोग संक्रमण से जीत नहीं पाए, तो आपको मास्क लगाना चाहिए ना, ये पब्लिक प्लेस है वैसे भी। ठीक है ना, तो अगली बार से निकलेंगे मास्क लेकर निकलेंगे ना। मैम मास्क तो है अब लेकिन जरूरत है, चाय पी रहा हूं तो कैसे? आप मास्क दिखाइए तो सही, आइए मेरे साथ आइए। आप आगे आके देख सकते हैं कि वहाँ भी बहुत सारे लोग मौजूद है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। आप लोग का मास्क कहाँ पे है? मास्क है भैया? नहीं है। नहीं है मास्क आपके पास? खरीद लीजिए, 10 रुपए का आता है, मुझसे ले लीजिए।
देखिए यहाँ देखिए हम कोरोना से जंग जीतने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लोग जो है वो बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, क्योंकि अभी जिला प्रशासन ने, हमारे जिला जो अधिकारी, उन्होंने कहा है कि कोरोना से जो संक्रमित जो लोग दिल्ली या मुंबई से आ रही है उनको अगर हम चेकिंग करेंगे, लेकिन जब तक हम खुद आप और हम सतर्क नहीं होंगे तब तक ये जो चीज़ें हैं वो नहीं जीती। आपका मास्क कहाँ है दादाजी? मास्क कहाँ बा? अभी है नहीं। नहीं है तो खरीद लीजिए ना। हाँ ले। अरे इतना तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है और मुंबई दिल्ली में जिस तरह से केस बढ़ा है, लॉकडाउन की स्थिति दोबारा से चाहते हैं लॉकडाउन कमाई वमाई बंद हो जाए? नहीं चाहते है ना, तो मास्क लगाना जरूरी है ना। तो देख मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क नहीं है, लॉकडाउन में पैसा खत्म हो गया, आज मजदूरी कर रहे हैं अब यहाँ पे। तो 10 रुपए का मास्क तो खरीद सकते हो अगर, सुनो मेरी बात सुनो, अगर सुनो अगर संक्रमित हो जाओगे मर जाओगे तो फिर कैसे होगा? तो मजदूरी करके खा रहे हैं, पैसा मिलेगा तो मास्क खरीदेंगे। रोजगारी अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन 10 रुपए का मैडम क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं बताइए मैडम जी। जहाँ हम लोग का बिजनेस चलता था वहाँ आज हम लोग ये ठेला पे खड़े होकर खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा जी, तो सरकार से नाराजगी है आपकी? नाराजगी क्या है, पूरी पूरी हिंदुस्तान की जो जनता है मैडम, वो इस समय किस स्थिति से गुजर रही है, इससे आप तो 10 रुपए की मार्क दे रही हूँ उनकी जिंदगी का। नहीं वो तो मैं समझ रही हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम सवाल 10 रुपए आप कर रही है कि मुझे मुझसे 10 रुपए आप ले लो। आज ये बच्चा कहाँ से चल के आ रहा है? कह रहा है मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, सत्य बोल रहा है। सुनिए सुनिए, रोजगार और जो नौकरी है वो मैडम पहले पेट है, जीवन बाद में, पहले पेट। जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे, पेट से भूख से मर जाएंगे। देखिए जब आप वहाँ से चल के पैदल आती थी मैडम, कोई पूछने वाला नहीं था, आज कह रही है मास्क नहीं है, मास्क नहीं, मेरे पास मास्क है, मेरे जेब में पहले भूख मिटाऊंगा तो फिर मास्क लगाऊंगा, पहले ये आत्मा हमारा संतुष्ट रहेगा ना तो मेरा मास्क भी आएगा। नहीं नहीं आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, होंगे तो मेरे पास मास्क भी आएगा मैडम। मैं आज जो स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं ना जी, भगवान ना करे कोई गुजरे। अच्छा। भगवान ना करे। तो वोट किसको दिए थे? जिसकी सरकार है उसको वोट दिए थे तो मैडम। जब आपने वोट देके जिताया मैडम, आपने मैडम जनता ने चुना है तो नहीं, मेरी सरकार मेरे सुरक्षित के लिए। तो फिर नाराजगी किससे? मैं नाराज नहीं हूँ, मैं अपनी ये नाराजगी किससे है? अपने कर्म से नाराज हूँ, अपने तो आप अपने कर्म से नाराज है तो वो आपकी गलती है। नहीं है मैडम, मैं नाराज नहीं हूँ। मास्क लगाना और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो दोनों अलग मुद्दे हैं, उसमें आप ये कहेंगे कि जब आप स्वस्थ रहेंगे। जवाब क्या आपको दिया? वो बच्चा बिल्कुल सही, मैं उसको नहीं कह रही, लेकिन सुनिए अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। क्यों नहीं कल नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कहा, नरेंद्र मोदी ने स्पीच में कहा कहीं आप देख रहे हैं संक्रमण फैल रहा है, हम तो 6 महीने से बिना मास्क के नहीं कोई। ये तो आपका जितना है कि आप 6 महीने से बिना मास्क घूम रहे हैं और मुंबई में देखें, हमारा तो टाइम वेस्ट, हमारा तो टाइम वेस्ट हुआ है, 6 महीने का नुकसान हुआ है, सरकार 3 साल पीछे चली गई है। हाँ तो वो तो एक अलग, आज वो 3 साल रिकवर होने में लगेगा वो रिकवर, लेकिन अगर आप मास्क लगाएंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे। संक्रमण तो देखिए यहाँ की जनता का कहना कि संक्रमण है ही नहीं मुंबई और दिल्ली में जो लॉकडाउन की स्थिति वापस से आ गई है, और कल नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि अभी हम कोरोना से जंग नहीं जीतते, लेकिन लोग अपने आगे ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि हम कोरोना से भी जंग नहीं जीत चुके हैं, और इनका कहना है कि संक्रमण कहीं है ही नहीं। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव। बहुत बहुत